एक फुटेज हम आपको दिखाना चाहेंगे और वी गेट इन टू द डिटेल्स और अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। सो हियर वी गो सवेरा। बिल्कुल जी, क्या नजर आ रहा है आपको? दिस इज द फुटेज और ये है पाकिस्तान की आयरन लेडी, जिस तरह नॉन स्टॉप वो हमलों पे हमले करती गई हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही। ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट को अपने जो उन्होंने हाल किया है, मतलब आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ अनीता हियर। लुक एट दिस ब्रुटैलिटी, वो रुकने को तैयार नहीं है अदीर। ओह माय गॉड, पता है ये ऑस्ट्रेलियन हरीफ है इनकी और मैं सोच रहा हूँ कि अगर इनके जहन में क्या होगा, दिस इज फॉर द 99 वर्ल्ड कप फाइनल, दिस इज फॉर द 2003 वर्ल्ड कप, दिस इज फॉर द सिडनी टेस्ट एंड ऑल, दिस इज अमेजिंग। और इसकी जो स्टिल्स भी आए हैं जो हमने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे देखे थे, द डिटर्मिनेशन ऑन द फेस ऑफ अनीता देयर और जो ऑस्ट्रेलियन हरीफ की जो बेबसी नजर आ रही थी, दैट वॉज अमेजिंग एंड वी आर सो प्राउड टू हैव हर इन आवर शो टुडे। एग्जैक्टली, एंड अदील द मोस्ट आई वुड से मिलियन डॉलर पिक्चर इस इवेंट के बाद जो मिलियन डॉलर पिक्चर थी वो थी व्हेन अनीताज कोच, हु इज अनीताज ब्रदर एज वेल, जब उन्होंने हग किया अनीता को, इट वॉज अ कोच एंड ब्रदरली हग ऑफ बींग प्राउड ऑन हर सिस्टर। और बड़ी कम मिसालें मिलती हैं, मगर यही कहा जाता है कि जब भी देर इज अ सक्सेसफुल वुमन इन एनी फील्ड, सो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन बिहाइंड दैट वुमन। और आज फिर से ये बात प्रूव हो जाती है। तो हम इनवाइट करेंगे अपने शो पे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एमएमए फाइटर अनीता करीम एंड पाकिस्तान के एमएमए फाइटर भी हैं, कोच भी हैं अनीता के, भाई भी हैं अलूमी करीम, दोनों को मैं खुशामदीद कहती हूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन द शो। सबसे पहले तो अनीता बहुत बहुत आपको मुबारक हो, लंपिनी फाइट जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है एंड आई हैव सीन द क्रेज, आई विटनेस दैट फाइट भी, कि मैंने देखी है लंपिनी में फाइट भी देखने का मुझे मौका मिला है। सबसे पहले तो क्या सोच के रिंग में आप उतरी थी एंड ऑब्वियसली हाउ हैप्पी यू आर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब रिंग में उतरी तो यही दिमाग में था कि ओपोनेंट को उसके ऊपर फोकस करना और फाइट जीत के जाना। जबरदस्त। तो वैसे गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक है, हम जब भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मिलते हैं, हुंजा के लोगों से मिलते हैं, बड़े ही सॉफ्ट से और बहुत ही फ्रेंडली से लोग, लेकिन आप जो इस वक्त जो हमने रिंग में फुटेज देखी आपकी और जो आपने उस ऑस्ट्रेलियन का हाय किया, सो टेल अस, अपने टेक अस थ्रू योर जर्नी अनीता, ये स्टार्ट कैसे हुआ एंड यहाँ तक पहुँचने में किन स्टेजेस से आप गुजरी? स्टार्ट मेरा ताइक्वांडो से हुआ था। बेसिकली बचपन में भाइयों के साथ ताइक्वांडो करती थी, फिर बीच में पढ़ाई आ गई, उसके बाद 2016 फिर मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई भाइयों के साथ स्टडीज के लिए। फिर वहाँ पर मेरे भाइयों का खुद का जिम है फाइट फोर्ट्रेस, तो वहाँ पर उनके साथ एज अ सेल्फ डिफेंस मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया। फिर उसमें मुझे पहले से ही शौक था मिक्स मार्शल आर्ट, क्योंकि मिक्स मार्शल आर्ट एज अ सेल्फ डिफेंस मैं सीखना चाहती थी शुरू से, और उसमें दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ती गई और एज अ पैशन मैंने अपने लिए सेल्फ डिफेंस एमएमए मैंने चूज किया और अभी भी वो जर्नी स्टार्ट है, जारी है। अच्छा अनीता, आपने तो बहुत स्पीड में ये सारी बात बता दी, अब मैं बीच में ज़रा रुक रुक के बाकी और बातें ज़रूर जानना चाहूँगी, बट बिफोर दैट आपको लूमी में अगर आपसे पूछूँ, आपको कब रियलाइज़ हुआ कि हाँ जी अनीता में इतना पैशन है कि इसको मैं इंटरनेशनल फाइट्स के लिए तैयार कर सकता हूँ? एंड बीइंग अ ब्रदर, क्या आपको डर था थोड़ा सा कि नहीं यार मुंह पे पंच पड़ेंगे और ये होगा और वो होगा? एक होता है ना, ब्रदर्स आर यूजुअली पोजेसिव अबाउट देयर सिस्टर्स। जी फॉर श्योर, ब्रदर्स आर पोजेसिव अबाउट देयर सिस्टर्स, और हमारे भी इसी पोजेसिवनेस की वजह से जो ना हमने अनीता को सिखाना शुरू किया था। तो मैं खुद जो है आई वॉज द फर्स्ट एवर स्टूडेंट ऑफ, मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं जो फाइट फोर्ट्रेस के कोचेस हैं, कोच अली सुल्तान एंड एहतिशाम करीम, उन्होंने जो है ना मुझे ट्रेन किया और उन्होंने भी बेसिकली अनीता को सबसे पहला जो बेसिकली खड़े रहना और पंच किस तरह मारते हैं वो सब जो है ना अनीता को उन्होंने सिखाया। जब फर्स्ट टाइम मैंने अनीता को जिम में जो हमारा पंचिंग बैग्स होते हैं उसको पंच करते हुए देखा, तो मैंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टोरी पोस्ट की थी कि इट रन्स इन द फैमिली एंड वी हैव अ हैवी हार्ड हिटिंग पंचर इन द फैमिली नाउ। फिर उसके कुछ एक दो हफ्ते महीने बाद बल्कि अनीता स्पारिंग कर रही थी, जो उसको प्रैक्टिस फाइट भी बोलते हैं, वो भी लड़कों के साथ, हमारे अपने टीममेट जो लड़के हैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रही थी और बहुत मार खाई उस टाइम इसने।
खैर मुझे बुरा लगा, लेकिन अगले दिन जब वापस आई और उसने कहा कि मैं दोबारा से करना है, मैंने मारना है इन सबको, फिर मुझे कन्फर्म हो गया कि अब देयर इज नो बैकिंग आउट, अब जो है ना अनिता पीछे नहीं हटने वाली, अब सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल बनने की तरफ ही आगे इसको लेके जाना है। रूमी क्या हुआ जब दोबारा फाइट हुई तो अनिता ने बदला ले लिया अपना पिछले दिन की जो पटाई लगी थी उसका? कुछ लोगों से ले सकी, ऑफ कोर्स जो जूनियर्स थे उनको मुझे अभी भी याद है कि मैं भी उनमें शामिल था। मैंने क्योंकि मेरा जो फाइटिंग स्टाइल है बहुत टेक्निकल है, तो मैं टेक्निकली जो है ना बहुत आराम आराम से प्यार से टच करते हुए तंग कर रहा था अनिता को। और जब सेकेंड जब स्पारिंग सेशन था उसमें अनिता ने मुझे एक पंच मारा गर्दन पे मुझे लगा और मेरा गला खुश्क हो गया, तो उस टाइम में समझ आ गई कि पावर है और पैशन भी है साथ साथ। तो फिर डिनर टेबल पे शिकायत तो नहीं की अम्मी अब्बू से, देखें आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है ये? मजे की बात है कि डिनर भी वही बनाती है, सर्व भी यही करती है, खिलाती अच्छा। भी यही है, तो उसमें बिल्कुल मतलब उस दिन शायद कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था कि मैंने भाई को मारा तो आज शायद मैं आई शुड मेक इट अप टू हिम, तो उस दिन बिरयानी बना के जाना मुझे उसने ट्रीट की इस बात की कि मैंने आपको आज मार खिलाई है तो आज आप बिरयानी भी खा लें। वेरी नाइस। अच्छा अनिता की जो स्ट्रेंथ की जो पावर की अलूमी आप बात कर रहे हैं, अनिता मैं आपसे पूछूंगी, बीइंग फ्रॉम गिलगित हुंजा, आपको लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको एडवांटेज है उस रीजन से होने का? बिकॉज जब मैं उस रीजन की खवातीन की स्ट्रगल देखती हूँ, दे नो हाउ टू क्लाइम माउंटेन्स, वो लकड़ियाँ उठा के इतनी इतनी ट्रैवल करती हैं, सो वो जो स्ट्रेंथ होती है वो मेरे ख्याल से बचपन से इनबिल्ट होती है। आपको लगता है कि एक एमएमए फाइटर बनने के लिए बहुत बड़ा आपको एडवांटेज हुआ बिकॉज ऑफ द रीजन यू वर बोर्न? जी अनिता। जी बिल्कुल, क्योंकि वहां पर हमारी सख्त लाइफ होती है, घरेलू काम, बाहर के काम, खेती बाड़ी करते हैं ओब्वियसली, और अपने लिए काम करते हैं बाहर, तो वहां पर हम लोग सब काम करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो एक बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए। और दूसरा कि हम हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, वो दूसरा हमारा दूसरा एडवांटेज है, वो हमारे लिए ज्यादा फायदा मंद है। राइट लूमी, ये बताइए, सो यू आर इन थाईलैंड राइट नाउ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और आर यू देयर फॉर गुड नाउ, कि अब आप लोग वहीं से ही रह के ट्रेन करते हैं या पाकिस्तान वापस आएंगे या फिर टू एंड फ्रो ट्रैवल करते रहेंगे, अपने इस वक्त करंट स्टेटस बताइए। करंटली हम लोग जो है ना यहाँ पे टीम फेटेक्स है, उनके साथ साइन है, स्पॉन्सर्ड एथलीट्स हैं इनके। इन्होंने सबसे पहले अनिता का टैलेंट देखा, जब अनिता ने अपने डेब्यू किया तो उसमें इनको अनिता में वो स्पार्क नजर आया, तो उन्होंने अनिता को साइन किया। उसके बाद जब मैं भी यहाँ पे आया उन्होंने मुझे साइन किया यहाँ पे, तो हम चाहते तो ये है कि जब तक करियर चलता है, क्योंकि यहाँ पे फोकस्ड लाइफ है, ट्रेनिंग फोकस्ड है, दिन में 4-5 टाइम लोग ट्रेनिंग करते हैं एंड वी एक्चुअली लिव दिस थिंग, तो इसीलिए कोशिश तो यही है कि जितना हो सकता है लंबा आसान यहाँ पे रहें, बाकी फिर जो अल्लाह को मंजूर है वो देख लेंगे जब वापस आना हुआ या कोई भी सिचुएशन होगी तो विल गो अकॉर्डिंग टू दैट। बिल्कुल, लेवल ऑफ ट्रेनिंग जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकेगी, बिकॉज मैं एमएमए फाइटिंग की बात करूं तो थाईलैंड इज लाइक अ हब फॉर इट। बट अनिता, अब मैं वापस जाऊंगी, जो आपने जल्दी में अपनी पूरी कहानी बता दी जिंदगी की कि अनिता यहाँ से यहाँ कब पहुंची, कितना मुश्किल था जब आपने पहली दफा अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को जाके बताया कि मैंने भी एमएमए फाइटर बनना है? ट्रेनिंग मुश्किल थी, लेकिन पेरेंट्स को बोलना मुश्किल नहीं था, क्योंकि बचपन से वालिदैन ने ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि बचपन से मैं ताइक्वांडो करती थी, तो जो मेरे वालिद हैं वो मुझे ताइक्वांडो क्लासेस के लिए लेके जाते थे, ना कि स्कूल के लिए। वो वहाँ पर इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भी अपने भाइयों की तरह आगे बढ़ूँ, और अगर सपोज मेरे वालिद कहीं पर अगर मेरे साथ नहीं होते और अगर मुझे कोई मसला होता है तो मैं उस चीज़ का खुद मुकाबला कर सकूँ, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर जब मैं इस्लामाबाद आई अपने भाइयों के साथ, तो वहाँ पर जब मैंने मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, ऑब्वियसली मिक्स मार्शल आर्ट बहुत ही मुश्किल खेल है, जब मैंने स्टार्ट किया बहुत ज़्यादा मुझे मसले हुए, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा सख्त थी, तो भाइयों के सामने ऑब्वियसली रोती नहीं थी, जाके किचन में रोती थी और उसके बाद ऐसे करके फिर दोबारा जाती थी कि नहीं अगले दिन मैंने दोबारा जाना है और दोबारा पंच मार के वापस आना है। नहीं, बट बहुत सारे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज इस पे आते हैं, नहीं जी
बाल कटवा रही है लड़की, शॉर्ट्स पहन के खेल रही है, बिकॉज आई रिमेम्बर कि हमारी फुटबॉल टीम के लिए भी एक बहुत बड़ा इशू हुआ था कि उनको शॉर्ट्स पहन के कैसे आप खिलवाएंगे, ये इशूज फेस किए अनीता आपने? मेरे ख्याल में ये जवाब भाई अच्छी तरह से देंगे। जी उलूमी आप बताएं। जी बेसिकली जब अनीता ने अपने डेब्यू फाइट की थी तो उस टाइम हमें याद है कि हमारे दिमाग में यही कंसर्न था कि ऑब्वियसली हमारे हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि थोड़ा इन चीज़ों को जो ना फ्राउन अपॉन करते हैं। तो हमने अनीता को जो फुल टाइट्स पहना के भेजे और ऊपर शॉर्ट्स पहनाए और टी शर्ट पहनाए थे साथ में। तो जो इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने उन्होंने मना किया कि वो उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म जो है ना इस तरह का नहीं होता, शी हैज टू वेयर शॉर्ट्स, उसके नीज से ऊपर जो है ना अपैरल होना चाहिए। तो इसलिए हमें थोड़ा सा जो है ना वो करना पड़ा, एडजस्ट करना पड़ा। ऑब्वियसली बैकलैश भी हुआ, काफ़ी लोगों ने जो है ना बातें भी की, बट देन ऑब्वियसली इसका एक ड्रेस कोड है तो हम कोशिश करते हैं जितना हो सकता है हम उसको स्ट्रेच करें अपने जो है ना सोसाइटल जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली। शॉर्ट्स जो है ऑब्वियसली क्योंकि जब ग्रैपल करते हैं तो जो आप फुल लेंथ अगर आप कपड़े पहनते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपके ओपोनेंट को एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो आप इजीली ग्रैपल कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये हमने जितनी हो सकता कोशिश की और नेसेसिटी है तो बिल्कुल करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली उलूमी अनीता थैंक यू सो मच।